तो आपका ये स्ट्रेट वायर हो गया, आई करंट हो गया, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये एल एल है तो फुट बाय हो गया जी सर। एस एस होने के कारण ये एल बी एल हो गया। ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इन दो लॉन्ग पार्ट की वजह से कोई फील्ड नहीं होगा क्योंकि इनकी सीधे बढ़िया पॉइंट जी सर। अब बचा ये वाला और ये वाला, चूंकि सिमेट्रिकल है दोनों, एक जैसा भी है, एक का निकाल दो पूरी तरह से वही दूसरे का भी होगा। डायरेक्शन देख लो, इसके कारण राइट हैंड पाम रूल इनसाइड होगा, पर इसकी वजह इसके कारण भी इनसाइड ही होगा, ठीक है, दोनों की वजह से इनसाइड ही होगा तो प्लस हो जाएगा। इसकी वजह से जो फील्ड होगा वही इसकी वजह से भी होगा, सेम टू सेम, एक का निकाले डबल कर दो। अब एक का निकालना है बस, फिनिट साइज ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके में जरूरत पड़ेगी भी, और ये 5 1 ये 5 2 तो फुट बाय फुट रहेंगे होंगे, ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होंगे क्योंकि इसके मिड पॉइंट पड़ेगा ना, एसोसिएशन ट्रायंगल मिड पॉइंट परपेंडिकुलर पड़ेगा। यस सर, क्या हुआ एल बाई टू, एल बाई टू तो ये भी एल बाई टू हो तो 45 45 एल बाई टू तो पॉसिबल नहीं, तो पॉसिबल कैसे हो जाएगा, एल बाई टू एल बाई टू एल कहां से आ जाएगा, तो एक सीध में जाएंगे, कोई कहीं गलती हो गई, कहीं गलत कर, ये 90 डिग्री है तो 45 हो गया, ये 45 है तो ये भी 45 है, इस कारण ये एल है तो ये भी एल है, कंफर्म हो गया। अब आइसोसेलस ट्रायंगल अगर ये है तो हमें इस पर परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, ये अगर ऐसा है तो ये एल थोड़ी था, जब हमने एल एल कह दिया इसको, ये एल थोड़ी था, हाँ जी ये तो गलती होती है, वो है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल अंडर रूट टू, ये तो एक काम करो, ये 90 है ना, ये हाइपोटेन्यूज है, ये 45 है, एल कॉस 45 और एल साइन 45, यस सर, यानी एल साइन 45 वन बाय रूट टू, ओके, यस सर, और इस फिनिट साइज का ये एंड 45 हो जाएगा, 45 जी सर। बस अब कर लो मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड फिनिट साइज की वजह से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट है आई, आई अपॉन एल बाय रूट टू, आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस, और साइन 5 1 प्लस साइन 5 1 फाइव टू बोथ पाई बाय 4, ओके, डेफिनेट साइज फिनिट साइज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल वन टू टू आई 4 पाई आई अपॉन साइन 5 साइन 5, इसकी वजह से इतना इसकी वजह से भी होगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 डन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई के साथ अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा अपॉन एल 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अंडर रूट 2 अपॉन एल
2 upon root 2 means under root 2? Yes, sir. Into 2. तो under root 2 हो जाएगा, 2 into 2 पूरा पूरा 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल. So, mu naught I upon pi L. ये ऑप्शन है? जी सर. कौन सा ऑप्शन है? सिंपल, ठीक है? और नोट करो.